नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, मैं हूँ आशीष चौधरी और आज प्रेसिडेंट रूल लागू हो रहा है महाराष्ट्र में। जी हाँ, यानी कि राष्ट्रपति शासन। अब ये दो लोग होते हैं, राज्यपाल यानी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी इनकी जरूरत देखिए कैसे मौके पर कब और कैसे पड़ती है और प्रेसिडेंट रूल का क्या इम्पैक्ट होता है, ये हम आपको बताने के लिए लाएंगे के कुमार को। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि शिवसेना जो कि इतनी कम सीटें लेके आई, उसको चीफ मिनिस्टर के लिए जो विवादास्पद परिस्थितियां निर्माण हुई, उसको आप सभी ने देखा है, सभी ने देखा है, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया है, मुझे कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वक्त शिवसेना के लिए जो बाला साहब, आदरणीय बाला साहब ठाकरे, जी हाँ, जो कि कांग्रेस के खिलाफ पूरी जिंदगी लड़ते आए, आज वही शिवसेना यदि कांग्रेस का दामन थाम लेती है तो क्या परिस्थिति होगी, ये आप सोच सकते हैं। हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे का कम से कम कुछ तो ध्यान रखना चाहिए शिवसेना चीफ को। आगे आपके लिए है के कुमार जी। राष्ट्रपति शासन लगा दी गई है, या राष्ट्रपति शासन तब लगाई जाती है, ये आर्टिकल 356 के तहत लगाई जाती है, जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली रन नहीं कर पाता तो गवर्नर एक रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति के पास भेजता है और राष्ट्रपति उसके अकॉर्डिंग स्टेट पे आर्टिकल 356 के तहत गवर्नर राष्ट्रपति शासन लगाती है और उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गवर्नर होते हैं वो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनली रन कराते हैं और ये मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल होता है इसका, जो 6-6 महीने पे बढ़ाया जा सकता है परिस्थिति को देखते हुए। लेकिन अभी तक हमारे देश में ये फुल ड्यूरेशन का राष्ट्रपति शासन कहीं नहीं लगा है। केंद्र ये देखती है कि जब भी ऐसी स्थिति बन गई कि जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बहाल किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली को चलाया जा सकता है, असेंबली चलाए जाने के लिए या तो फिर से इलेक्शन कराई जाए या जो पार्टियां अभी जीती हुई हैं उसमें कोई तालमेल बैठे और ऐसी परिस्थिति हो कि फिर से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत स्टेट रन कर सके फ्रीली, तो राष्ट्रपति शासन मूव कराया जा सकता है। ये एक सम टाइम इम्पोज किया गया है ताकि उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके स्टेट्स को, कर दी जाती है। सीएम अपने अस्तित्व में नहीं रहता, ना ही मंत्रिमंडल अस्तित्व में रहती है, डायरेक्ट गवर्नर रूल करती है चीफ सेक्रेटरी के थ्रू और जो उनकी मिशनरीज हैं, जो गवर्नर के अंदर बाकी मिशनरीज हैं, मतलब इसमें जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो उनको अस्तित्वहीन कर दिया जाता है। अब हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम लोगों ने चुन के भेजा था विधानसभा में, जिनको हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो सीएम के रूप में बैठेंगे, मिनिस्टर्स के रूप में बैठेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हमारे स्टेट को रन करेंगे, वो अब अस्तित्व खत्म हो जाता है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है।